हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रियंका ब्लॉग एंड कुकिंग। आज मैं सबके फेवरेट पप्पा के लिए बनाने वाली हूँ उनकी फेवरेट मोदक की रेसिपी। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये रेसिपी इतनी जल्दी से बन जाती है ना, और ये इतने सारे मोदक मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाए हैं। बहुत यमी ये रेसिपी बन करके तैयार हुई थी। तो बिना देर किए मैं भी आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, और बिना स्किप किए इसको देखिएगा, क्योंकि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में मैंने ये रेसिपी शेयर की है। तो चलिए ये स्वीट से मोदक बनाना हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इंस्टेंट मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोटे तले वाला बर्तन लिया है, नॉनस्टिक पैन लिया है, ज़्यादा सही पड़ता है ये। अब गैस का फ्लेम हम थोड़ी देर तक ऑफ ही रखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच जितना देसी घी। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप दूध। अगर इसे मेजर करेंगे तो ये है 250 ml। इसी के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मिल्क पाउडर। अगर इसे मेजर करेंगे तो ये है 200 ग्राम। ध्यान देना है, डेरी वाइटनर नहीं लेना है, मिल्क पाउडर लेना है। मैंने यहाँ पे पतंजलि का काउज होल मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी ब्रांड चुन सकते हैं। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 पिंच सैफरिन। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे, और इसके बाद इसका एक लम्प फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये स्टेप चाहे तो विस्कर से भी कर सकते हैं, उससे आसानी होती है। ध्यान दीजिएगा, गैस का फ्लेम आपको इस प्रोसेस में बंद ही रखना है, अदरवाइज ये बैटर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो मैंने नॉर्मल घर का दूध लिया है, इसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था। ऐसा ही दूध आपको लेना है, कच्चा नहीं लेना है। तो बस अब ये बैटर हमारा हो चुका है रेडी, 2 से 3 मिनट लगे हैं, और अब मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जब आपको लगे कि आपका जो पैन गर्म हो गया है ना, तब आपको गैस का फ्लेम धीरे धीरे मीडियम करना है। अभी यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम फुल पर रखा है। इसको लगातार चला लेंगे, और जो थोड़ा थोड़ा आपको लंप नज़र आ रहा होगा उसे भी हम तोड़ लेंगे। तो वो स्पैचुला मुझे कम्फर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसे चेंज कर लिया है। अब इसको जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर लम्प्स रह गया है उसको मैं तोड़ते जाऊंगी, और गैस का फ्लेम में हाई पर रखा है। अभी आपको पैन के अंदर साइड में झाग दिख रहा होगा, इसका मतलब पैन हमारा गर्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और इसको लगातार चलाते हुए ही हमको पकाना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपका जो बैटर है ना वो नीचे स्टिक हो सकता है, जल सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो केसर है मैंने मिल्क पाउडर और दूध के साथ ही ऐड कर दिया था, सूखा ही। आप चाहें तो दूध में घोल करके उसका कलर उतर जाए जब तक वेट करके, उसके बाद आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट इक्वली सेम रहता है, तो इसलिए मैंने उसको शुरुआत में ही डाल दिया था। दूसरा आपको बात ये ध्यान में रखना है ना कि गैस का फ्लेम आपको फुल जब तक रखना है जब तक कि आपका पैन गर्म ना हो जाए। जैसे ही आपका पैन गर्म हो जाएगा आपको गैस का फ्लेम मीडियम, फिर उसके बाद स्लो करते जाना है। आपको खुद फील होगा कि कितना स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम कितना रखना है, ठीक है। क्योंकि जब ये बैटर आप पकाना स्टार्ट करते हो ना, तो ये इमीडिएटली गाढ़ा होने लगता है और पैन में चिपकने लगता है, तो आप खुद फील कर पाओगे कि कब गैस का फ्लेम हमको हैंडल करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इस बैटर को मैंने लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो हीट पर इसको पका लिया था, और आपको डिफरेंस दिख पा रहा होगा, शुरुआत में ये एकदम रनी सा था और ये अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैंने इसे 70% पकाया है। मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम बढ़िया क्रीमी हमारा बैटर रेडी है। आपको एक और साइन दिखाती हूँ मैं, ये देखिए जब आपका बैटर एक एक बॉईल इस तरीके से लेने लगेगा, मतलब ये डन है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है, अगर इसे मेजर करेंगे तो ये 80 ग्राम करीब है डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसके जगह पर सूखा नारियल भी डाल सकते हैं ग्रेट करके। अब इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। गैस का फ्लेम अभी भी मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद ना जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इसका, वो कोकोनट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद ना इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तुरंत ही सारा मॉइस्चर जो है ये एब्जॉर्ब कर ही लेता है। बस इंग्रेडिएंट डालते डालते ही आपका मोदक का मिक्सचर कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, इतनी जल्दी बन जाता है ये। बस आपको हाथ चलाते रहना है, ठीक है, ताकि ये लग ना जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट के कतरन, जिसके लिए यहाँ पर मैंने काजू और पिस्ता की शेविंग्स ली हैं। आप इनको फाइन चॉप कर लीजिए, कोई भी आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस का, आप पे डिपेंड करता है टोटली, और ये ऑप्शनल भी है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से डाल के देखिएगा। आपका जो मोदक है ना बहुत अच्छा एक क्रंची फ्लेवर देगा, बहुत अच्छा लगता है। बस आपने देखा ड्राई फ्रूट डालने भर में ही हमारा जो मिक्सचर है वो कितना ज़्यादा सूख सा गया है। बस इसको एक बार लगातार हम चला लेंगे 1 मिनट के लिए,
और ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही मिक्सर ड्राई होता जाएगा आपका पैन भी छोड़ता जाएगा, यानी एक सॉफ्ट डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसे डाले हुए 1 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर हम मिठास डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप करीब कंडेंस मिल्क। इसके बदले आप पाउडर शुगर डाल सकते हैं, मेजरमेंट इक्वल रहेगा। कंडेंस मिल्क डाल करके मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और आप फील करेंगे जैसे आपने मीठा इसके अंदर ऐड किया ना, चाहे आप पाउडर शुगर डालो या फिर कंडेंस मिल्क, आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस हमको काम करते रहना है, हाथ रुकना नहीं चाहिए। बस धीमी आंच पे इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे और सिर्फ 2 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा आपका जो बैटर है ना वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं और जो भी मेजरमेंट बताए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, आपका जो मोदक है ना बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क डाल करके मुझे यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, इसको लगातार चलाते हुए मैंने धीमी आंच पे पकाया है और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया हमारा मिक्सचर बन करके तैयार हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था ये पैन को बिल्कुल छोड़ देगा, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा है और इकट्ठा हो गया है। तो बस ये हमारा मिक्सचर तैयार है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और ओवर कुक ना हो। यहाँ पर मैं प्लेट में निकाल रही हूँ मिक्सचर ताकि इसे हम ठंडा कर सकें। इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हाथ से सहा जाए या फिर ल्यूक वार्म रहे इतना ही हमको इसे ठंडा करना है। तो प्लेट में इसको हम फटाफट से फैला देंगे ताकि इस पर अच्छी हवा लग सके। और एक बात का मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब इसे ठंडा कर रहे हो ना तो बीच बीच में इसको अलट पलट दीजिए ताकि जो ऊपर का सर्फेस है वो क्रिस्प ना हो। ड्राई होने की वजह से ना वो एकदम सूख सा जाता है तो वो मोदक खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको रेस्ट होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं इस डो को ठंडा करते हुए और ये हाथ से सहने लायक है, यानी आप हाथ से इजीली छू सकते हैं इसको, इतना हल्का सा गर्म है। तो यहाँ पर मैंने ना इसे 5 मिनट बाद अलट पलट करके फिर से प्लेट में फैला दिया था ताकि हमारा ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के दिखाती हूँ हमारा डो कैसा है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा हमारा डो बना है और बिल्कुल हाथ से चिपक नहीं रहा है, ऐसा आपको डो बना करके तैयार करना है। अगर आप इसे हथेली के बीच में रख के रोल करेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट सा क्रैक फ्री बॉल बन करके तैयार होगा। ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट। तो बस अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा मिक्सचर हमने फैला रखा है इसे हम इकट्ठा करके एक बार अपसाइड डाउन मसल लेंगे। इससे क्या होगा ना, जो हमने इसे ठंडा करने के लिए रखा था तो ये जैसे कि इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से बिखरे बिखरे से हैं तो वो एक सार हो जाएंगे। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का मोल्ड लिया है, ये प्लास्टिक का है और मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। काफ़ी सारे वेरिएशंस में ये मिलता है, आप अपने चॉइस का ले सकते हैं, मेटल में भी अवेलेबल होता है, आप इसे लोकल वेंडर से भी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर कुछ अप्लाई नहीं किया है घी वगैरह, ऐसे ही मैं थोड़ा सा पोर्शन डो का तोड़ करके इसके अंदर अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। दबा दबा के ये मिक्सचर को भरना है, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से छोटा सा पोर्शन ले लेंगे डो का और इसके ऊपर अच्छे से फिल कर देंगे दबा करके। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स को आपस में चिपका देंगे और इसे लॉक कर देंगे, ये देखिए। और जो भी एक्स्ट्रा इसके अंदर डो है उसको हम स्क्रेप करके निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। कुछ भी एक्स्ट्रा दिख रहा है सब आप साफ कर दीजिए। अब धीरे से इसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से और इसका लॉक जो है वो हम आराम से खोल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा मोदक बन गया है ना। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्यूट सा मोदक बन करके तैयार है। अब ये जो एजेस इसके दिख रहे हैं ना इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा बप्पा के लिए प्यारा सा मोदक बन करके तैयार हो गया है ना, क्यूट लग रहा है ये। तो चलिए और भी मोदक हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको ना एक और एक तरीका बताती हूँ इसको फिल करने का। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा सा पोर्शन लेंगे हम और इसको रोल करके इस तरीके से मोल्ड के एक साइड पर इसको दबा के रख देंगे।
अब इसके दूसरे साइड से हम कवर कर देंगे इसे। ये देखिए कितना ज़्यादा सा मिक्सचर मैंने लिया है और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। बस अब क्या करना है, एक्स्ट्रा जो भी है इसको हम स्क्रेप करके निकाल लेंगे। अब इसका लॉक खोल देंगे। और ये देखिए हमारा प्यारा सा मोदक बन करके तैयार है ना, आसान। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वैसे बना करके अपने मोदक तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इतना बढ़िया बना है। फिर से हम इसके एजेस को क्लीन कर देंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए परफेक्ट हमारा मोदक तैयार है। बस इसी तरीके से मैं अपने सारे मोदक बना करके तैयार कर लूँगी। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक प्यारा प्यारा मोदक ढेर सारा बन करके तैयार हो गया है। बहुत कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम क्वांटिटी में इतने सारे मोदक मैंने बना करके तैयार किए हैं। मैं आपको ना एक मोदक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, तोड़ने का भी मन नहीं करता। ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत सॉफ्ट क्रीमी एकदम। आप खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा आपको। अब बनाने में तो आसान है ही, कोई भी बना लेगा, ये इतने आसान है। तो मैं इसको प्लेट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्यूट क्यूट मोदक बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये रेसिपी इतने कम टाइम में बन जाती है ना कि आप त्यौहार के बिजी माहौल में भी ये रेसिपी फटाफट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अपने पापा को ये रेसिपी ज़रूर से बना करके खिलाइए। और मेरा ये छोटा सा एफर्ट अगर आपको कहीं भी ज़रा सा भी अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और रेसिपी बना करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमेंट पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।